हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो इतना सिंपल होने वाला है, इतना सिंपल होने वाला है कि आप लोगों को ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में याद ही नहीं रखना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल वे में दिमाग पे बैठ जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिक है मोशन चैप्टर के लिए, ठीक है? तो क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन, उस चैप्टर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे एकदम सिंपल एग्जाम्पल देके, ताकि याद रह जाए, दिमाग पे बैठ जाए, ठीक है? तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा है, राइट? क्या है ये? एक गर्ल है और ये एक हाउस है या फिर होम है, ओके? ये जो गर्ल है वो ऑफिस से निकल के, हम लोग एक स्टोरी बना लेते हैं, ओके? ऑफिस से निकल के घर की तरफ जा रहे हैं, तो घर की तरफ कैसे जाएगा? ऑब्वियसली पैदल जाएगा। तो पैदल जाएगा तो किस रूट से जाएगा? सपोज सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे दो रास्ता है, ठीक है? एक होता है कि यहां से स्ट्रेट उनके घर पे जाए, ठीक है? स्ट्रेट लाइन, दिस इज नंबर वन रूट। और सेकंड जो है वो इस तरीके से जाता है, सेकेंड रूट जो है वो इस तरीके से होके जाता है, ऐसे होके जाना पड़ता है, दिस इज सेकेंड वन। अब देखो, बात ये है कि ये जो लड़की है या फिर गर्ल है कौन सा रास्ता से जाएगा, ये उसके ऊपर है, ठीक है? अभी देखो, अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि सपोज नंबर टू नंबर रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि वो इस तरीके से जाएगा ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ पे आके बैंड होगा, उसके बाद यहाँ पे बैंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सीधा जाके यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न, उसके बाद यहाँ पे आके उसके बाद उसे अपना घर दिखाई देगा, यानी कि घर के अंदर जाएगा, ठीक है? और अगर नंबर वन पाथ से जाता है तो वो सीधा जाएगा, रास्ता सीधा है, कोई टर्निंग नहीं है, सीधा जाके एकदम सीधा जाके उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। तो एक बात बताओ, वन और टू में ज्यादा जो लेंथ है किसमें ज्यादा है? वन या टू का लेंथ? टू का ज्यादा है कि नहीं? ठीक है, तो वन का लेंथ बहुत कम है, यानी कि शॉर्टेस्ट है। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? दिस शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं। और डिस्टेंस क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, यानी कि लॉन्ग पाथ, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्ग पाथ, ये एक लंबा रास्ता है, ठीक है? अभी देखो, डिस्टेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या फिर बाय द पर्सन। क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? देखो, अगर ये गर्ल, ये जो गर्ल है वो गर्ल अगर नंबर टू पाथ सपोज फॉलो करता है तो उसे इस तरीके से जाना पड़ता है बैंड होके, फाइन? उसके बाद उसे अपना घर दिखाई देता है। तो सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो डिस्टेंस इस यहाँ पे है 10 किलोमीटर, पकड़ लेते हैं पूरा यहां से लेके होम तक, उसके घर तक कितना है? 10 किलोमीटर। तो ये वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या ये 10 किलोमीटर से कम होगा या ज्यादा होगा? डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ये सीधा रास्ता है सबसे कम। तो सपोज ये पकड़ लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ जो है 5 किलोमीटर, सपोज सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? एक क्या है? एक है 10 किलोमीटर, एक है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल, डिस्प्लेसमेंट जो है द शॉर्टेस्ट पाथ, क्या द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, किन किन पॉइंट के बीच? इनिशियल
एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? जहां पे ये लड़की खड़ा हुआ है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? दिस इज फाइनल पॉइंट, यानी कि उसका घर। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो सीधा रास्ता है, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ के जगह पे हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अभी समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ, ठीक है। अगर हम लोग सपोज मैं मेरे घर से अगर मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ, कोई भी स्कूल, तो सीधा तो नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता, कोई भी रास्ता सीधा नहीं जाता है, वो ऐसे बैंड होके जाता है, यानी कि हमें डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। हम लोग डिस्टेंस से हम लोग जाते हैं, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो हम लोग थ्रू रोड हम लोग जाते हैं। अगर हम लोग रोड से ना जाके सीधा, सपोज एक यहां से मैं कुछ हेलीकॉप्टर लेके सीधा जाता हूं वहां पे, तो जो सीधा पाथ होगा ना उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ। समझ में आ गया? ठीक है। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब इक्वल हो सकता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बताओ कब? जब रास्ता ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। व्हेन द रोड इज इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि कब होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? इन स्ट्रेट लाइन पाथ, हम लोग यहां पे इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर एक रास्ता ही स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और एक बात यहां पे, डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। आइदर इक्वल और ग्रेटर, ऑलवेज ये ग्रेटर होगा, तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। देखो अगर सपोज ये एक ए पॉइंट है, ठीक है, और ये एक बी पॉइंट है। सपोज एक कार यहां से यहां तक गया, ए से बी पॉइंट तक स्ट्रेट, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। फिर बी से सपोज डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ए तक आया, ठीक है, इस पाथ से, तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो पहले ए से स्टार्ट किया था तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अबे वापस कहां पे आया? यहीं पे आया, यानी कि यही हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिफरेंस कितना है? नो डिफरेंस, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। अगर ए से बी तक 5 किलोमीटर होता है, तो जाते समय 5, आते समय 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा प्लस, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5, यानी कि 10 किलोमीटर। समझ में आ गया? यहाँ पे तीन डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया। एक क्या है देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और वो है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। डिस्टेंस कैन बी जीरो, नो नो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो, डिस्टेंस ऑलवेज एक वैल्यू देगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गया, ठीक है, जाने के बाद अभी वो वापस फिर से आ रहा है स्ट्रेट लाइन पे, और ये कुछ यहां पे चला गया सी पॉइंट पे, तब देखो क्या होगा। तो ये था इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, अभी ये हो गया फाइनल पॉइंट, है कि नहीं? तो ये जो उल्टा डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, इसलिए यहां पे हो जाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीन
तीनों हो सकता है, एंड डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने यहाँ पे, डिस्टिंग्विश फैक्टर यहाँ पे किया है। और एक पार्ट ये है स्केलर क्वांटिटी फैक्टर क्वांटिटी, याद रखना डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। अभी बताओगे सर स्केलर क्वांटिटी तो पता नहीं क्या है, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी समझाता हूं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, अभी देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इनमें, इसमें जो होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि ओनली वैल्यू रहेगा, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज रहेगा, जैसे कि 10 किलोमीटर, ठीक है, ये वैल्यू रहेगा, 16 किलोमीटर, 17 मीटर, ये कुछ वैल्यूज रहेगा, तो इसे बोलते हैं स्केलर। तो भैया ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अभी वेक्टर क्वांटिटी देखो, यहाँ पे 16 किलोमीटर के साथ हमें डायरेक्शन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में एक रहेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस और एक क्या रहेगा, डायरेक्शन। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर, अभी डायरेक्शन कैसे देंगे, टुवर्ड्स ईस्ट, हो गया कि नहीं, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पे फिर से वापस आओ ये, तो यहाँ पे देखो किस डायरेक्शन पे जा रहा था ये, किस डायरेक्शन पे जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन पे। अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉर्थ साउथ, तो ये आप बताओ तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, डेफिनेटली ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो 5 किलोमीटर यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स ईस्ट, तब ये कंप्लीट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, इतना बस, इतना अगर समझ में आ गया दिमाग पे बिठा लो, यही है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। यही था डिफरेंस, यही था यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज या फिर डेफिनेशन बोल सकते हो विद एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल के साथ सिंपल वे में समझा दिया, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को इसी तरीके का और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए सिंपल वे में समझने के लिए, डू कमेंट हियर, थैंक यू वेरी मच।